शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप 3 दिनों में अपना भाग्य कैसे बदल सकते हैं। अक्सर ये बात आप कमेंट्स में मुझे पूछते हैं कि हमारा जो भाग्य है हमारा साथ नहीं दे रहा, हम जो काम कर रहे हैं उसमें सफलता नहीं मिल पा रही, हम बहुत दिनों से स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन फिर भी जीवन में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हो पा रही है, हम जिन लोगों की मदद करते हैं वो लोग हमें धोखा देते हैं, प्यार में हमारी स्थिरता नहीं है, कई सारे तनावों के साथ, कई सारी परेशानियों के साथ हम आगे आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो क्या रीज़न है इन सब चीज़ों के पीछे, और अगर इन चीज़ों के पीछे जितने सारे रीज़न्स हैं उनके क्या समाधान है, कुछ बताएं मुझे। हम अक्सर ये कमेंट्स आप पूछते रहते हैं, तो इस पूरे वीडियो में यही जानेंगे कि आप बहुत कम समय में अपने भाग्य को बदल सकते हैं, वो भी सकारात्मक में। ये वीडियो आप तक, ये बातें किसी ने आपको नहीं बताई होगी, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके इस वर्तमान जीवन में सब चीज़ों को पॉजिटिव करने के लिए। तो वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ, उन उपायों पर हम बात करें, उससे पहले एक छोटा सा निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ें। कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखें, जो भी नाम आपको अच्छा लगे आप वो लिख सकते हैं। और अगर अपनी कुंडली का एनालिसिस आप हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल ही रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका फीस, उसका शुल्क लागू है। दोस्तों, सबसे पहला और मुख्य बात है कि अगर आप अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं तो जो हमारे बीती हुई बातें हैं या जो हमारी मेंटालिटी हो गई है, जो हम नेगेटिव हो चुके हैं, तो खुद को, खुद के विचारों को, खुद को पॉजिटिव करें। आप अगर खुद को पॉजिटिव करने में थोड़ा सा भी अगर एफर्ट लगा लेते हैं, खुद को पॉजिटिव कैसे होंगे, आप खुद को समझ लेते हैं कि हम खुद कैसे पॉजिटिव हो सकते हैं, जैसे अच्छी किताबें पढ़ें, गुरु मंत्र का जाप करें, जितना हो सके उतना चीज़ों में आशावादी रहें, और आप डर से ज़्यादा अपने इष्ट पर विश्वास रखें। अगर डर से ज़्यादा अपने इष्ट पर विश्वास रखेंगे तो सबसे पहला चमत्कारिक परिणाम आपको 24 घंटे के अंदर दिखाई देगा। दूसरी बात, मंत्र जप। मंत्र जप में बहुत शक्ति होती है, ये बात कितनी बार मैं दोहरा चुका हूँ, लेकिन ये सबसे बड़ा रहस्य है जो आपको बहुत आसानी से चीज़ें हर कोई बता रहा है कि मंत्र जप में बहुत शक्ति होती है। इसलिए कोई एक मंत्र लें, जो भी मंत्र आपको अच्छा लगे उसका कंटिन्यू जप करें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करें। लेकिन जप में एक सावधानी रखें कि जप करते वक्त मन दिमाग में अन्य विचारों को ना आने दें, कोशिश करें उस मंत्र को मुंह से बोलें और कानों से सुनें, उस पर ध्यान केंद्रित करें। जब उस पर ध्यान केंद्रित करने में कुछ वक्त आपका बीतेगा तो आपको बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें महसूस होगी। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप रोज़ शिवालय जाएँ, 2 वक्त शिवालय जाएँ, भोलेनाथ का अभिषेक करें, ये अपने जीवन का हिस्सा बना ले। दोस्तों, इससे भी आपका भाग्य जो है बहुत सकारात्मक बदलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। ओम नमः शिवाय।